हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो पहले तो भाई जो भी मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं, उन भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए, आपको पता चल ही गया होगा कब से मैं शोर कर रहा हूँ भाई, वर्क परमिट अप्लाई कर लो, वर्क परमिट अप्लाई कर लो। पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अच्छी बात है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, बाकी भाई करे ना करे उसका प्रॉब्लम है। तो क्रोशिया भाई शेंगन में आ चुका है, ठीक है। तो रोमानिया नहीं आया, मैंने आपको बताया था भाई, ये क्रोशिया शेंगन में आने वाला है, रोमानिया भी। पहले पूरा वोटिंग वगैरह हो रही थी, रोमानिया भी आने वाला, लेकिन अभी वो डिले हो गया है। तो जो भी मेरे भाई हैं क्रोशिया में आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिनके वर्क परमिट अप्लाई हुए हैं, जो मेरे बोलते हैं भाई भाई हमने तो वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है क्रोशिया से, तो भाई जो अप्लाई है तो वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो कैंसल नहीं होंगे, वो वर्क परमिट पे आएंगे और पहुंचेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन उनको परमिशन भी होगी, ठीक है। जैसे 3 महीने का स्टैम्प होता है वीजा, स्टैम्प होने के बाद आप लगा के चलो 90 डे का स्टैम्प होता है, स्टिकर वीजा, उसके बाद उनको वहाँ पे आके आईडी कार्ड बन जाएगा, ठीक है। जो एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता था मेरे भाइयों को, जो मेरे भाई लाइसेंस उनके पास है या नहीं है, तो ये चीज़ उनके लिए भाई, आप इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करो, ठीक है। लाइसेंस का बहुत फायदा है, लाइसेंस का बहुत ज़्यादा फायदा है भाई। आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में चलता है, क्या बोलते हैं, फूड डिलीवरी का काम चलता है, तो यहाँ पे भी है भाई, बहुत काम है, अच्छे पैसे बनते हैं उसमें, टिप भी अच्छी बनती है, 10 से 12 यूरो घंटे के मिलते हैं। अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हैं पिज्जा शॉप पे भाई, रात को डिलीवरी का काम ज़्यादा आजकल चलता है, हर आदमी बोलता है भाई मुझे डिलीवरी बॉय चाहिए, तो यहाँ पे बहुत फायदा है भाई, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। जो भी मेरा भाई क्रोशिया आ रहा है या रोमानिया आ रहा है, वो इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आए तो उसका फायदा ही होगा भाई, आगे आगे बेनिफिट मिलेगा। तो 1 साल का वैलिडिटी होता है, आने के बाद आप वहाँ पे भी आप थ्योरी करके या कोई एग्जाम दे के आप वहाँ का लाइसेंस ले सकते हो वर्क परमिट के ऊपर, तो बहुत फायदा है। तो एक वीडियो और आई थी भाई, मेरे पास फोन आया था इंस्टाग्राम पे भाई, हमें ऐसे ऐसे हम चढ़ रहे थे, चढ़ने दिए, चढ़ने वाले कौन थे, एक लेडीज थी, एक उसकी मम्मी थी। तो उन पता नहीं किसने उनको सलाह दी भाई, आप दिल्ली से ऐसे करो, नए साल से पहले पहले उनको किसी ने बताया होगा भी, आप ऐसे करो, ऐसे उनको बोलो इमिग्रेशन को भी, हम घूमने जा रहे हैं, नए साल मनाने के लिए जा रहे हैं सर्बिया में, तो फ्रेश पासपोर्ट थे भाई, सब कुछ 2-3 लाख रुपया लगाया, होटल बुकिंग टिकट वगैरह सब कुछ करवाया, तो क्या हुआ भाई, चढ़ने नहीं दिया वो। आपको पता है भाई कैसे चढ़ने देंगे आपको, इंडिया से आपको चढ़ने देते ही नहीं है, तो नहीं चढ़ने दिया उन लोगों को। तो टिकट भी गई भाई, पैसे भी गए, होटल बुकिंग भी गई, और पता नहीं कौन बेवकूफ़ ने उनको ऐसी एडवाइस दी भी आप इंडिया दिल्ली से आप चढ़ सकते हो, है ना। तो सब कुछ बर्बाद हो गया भाई। तो आप ऐसे किसी की बेकार बातों में मत आया करो, आप पहले सर्च करो, ठीक है, नहीं तो आप एम्बेसी में पूछ सकते हो भाई हम जहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हर आदमी को पता है भाई यहाँ से सर्बिया दिल्ली से हम नहीं जा सकते हैं, दिल्ली से नहीं चढ़ने देते हैं, तो आप कहीं और से ट्राई कर लेते तो अच्छी, दुबई से कर लेते, हो सकता बाई चांस हो लेडीज थी हो उनको इमिग्रेशन पे चढ़ने दे देते, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो 3-4 लड़के थे वो सर्बिया आए हुए थे भाई, ये होगी 15-20 दिन के बाद, अभी तो मैं वीडियो 20 दिन के बाद बना रहा हूँ, तो 15 दिन हो गए। तो उनकी वीडियो आई थी, किसी एजेंट ने भेज दिया वहाँ पे सर्बिया में, कहीं कहीं से ना कहीं एंट्री नहीं, कहने का मतलब एयरपोर्ट पे एंटर हो गए वो लोग। एयरपोर्ट पे एंटर होने के बाद जब इमिग्रेशन के पास गए, तो इमिग्रेशन ने भाई उनको एजेंट ने बोला था भी आप ऐसे करो, आपको ये फलाने काउंटर पे जाना है, ये काउंटर है, ठीक है, काउंटर पे जाओ, और आपको काउंटर पे जाना है तो आपको वो इमिग्रेशन क्लियर कर देगी, ठीक है। तो वो लड़के चले गए भाई वहाँ पे, गए तो उनको तीनों चारों लड़कों का पासवर्ड पकड़ लिया, पासवर्ड पकड़ के उनको बोला भाई आप ऐसे करो साइड में आ जाओ, यहाँ पे एक साइड में ले गए। तो उनको बोला भाई आपने किसने भेजा है, इंक्वायरी करते हैं भाई, उनको पता है एजेंट वो यहाँ पे बहुत काम कर गलत करते हैं, बेचते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो उनको साइड में लगा के उनको बोला आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो चारों के चारों भाई वो बैठ गए आराम से, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई उन तीनों चारों को भी लड़कों को वापस भेज दिया। उसके बाद मैसेज आते हैं जो इंस्टाग्राम पे जो लोग शेयर करते हैं मेरे से, मैं ये तो उनकी भाई स्टोरी बताता हूँ, वो भी बोलते हैं भाई आप
अगर किसी को बताओगे तो किसी का फायदा हो जाएगा, ठीक है, इस रास्ते से नहीं आएगा, ऐसे जो भी हमारे साथ हो रहा हम नहीं चाहते किसी और के साथ भी हो। तो जैसे दो लड़के थे वो गए वहां पे बोसनिया, भाई बोसनिया से उनको ऐसे क्रोशिया की तरफ से एंट्री लेनी थी, इटली में घुसना था, तो वहां पे भाई उनके साथ थोड़ा बुरा हुआ, उनके क्या हुआ, मारा पीटा, जैसे कि क्रोशिया वाले हरामी हैं, जैसे आपको पता है हंगरी वाले भी पीट देते हैं भाई, ठीक है, तो ऐसे क्रोशिया वाले भी जो पुलिस वाले हैं बहुत बहुत हरामी हैं, वो मारते भी हैं पीटते भी हैं, ठंडी का टाइम है भाई, उनके कपड़े भी निकाल दिए, उनको मारा भी, ठीक है, उनके काफ़ी चोटें आई बताई, मैं उनको फोटो भी दिखाई थी उन लोगों, लेकिन मैं फोटो मैं शेयर नहीं करूंगा आपके साथ। तो इसी ये चीज़ है भाई, आप ऐसे बंद कर दो, मैं तो यही बार बार बोलता हूँ भाई, अगर आपके पास वर्क परमिट है ना किसी कंट्री का भी है, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपको कोई वहां से चढ़ने, दिल्ली से चढ़ने के लिए भी आपको कोई नहीं रोकेगा, और आप एक आपको आगे आके भाई कोई ना कोई अच्छी जॉब भी मिल जाती है। ये नहीं है अगर आपको जॉब, कुछ लोग बोलते हैं भाई रोमानिया में पैसे नहीं बनते हैं, 500 या 600 यूरो बनता है, तो 500-600 यूरो भाई, जैसे पुर्तगाल में आप किसी का, अगर आपका कोई आदमी है तो आप पुर्तगाल में पूछ लो पुर्तगाल में पैसे कितने बनते हैं भाई, 20 से 25 यूरो पर डे के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें से आपने अपना खाना भी निकालना है, ठीक है, बस का, फोन का, और रेंट भी निकालना है, तो आप ऐसे लगा के चलो भाई 300-250 से 300-350 का खर्चा आ जाता है, ठीक है। अगर आप रोमानिया क्रोएशिया में आते हो तो आपको भाई 600-650 अगर सैलरी भी मिलती है, तो आपका खाना भी फ्री होता है कंपनी की तरफ से, आपका रहना भी फ्री होता है, तो जो भी खर्चा होगा आपका वो प्लस होगा, जैसे आप कुछ कोई अपने लिए स्पेशल खरीदते हो, कुछ भी हो गया, खाते पीते हो भाई, उसका खर्चा आता है, अदरवाइज कोई खर्चा नहीं है वहां पे। और आपको वहां पे अगर क्रोएशिया का या रोमानिया का TRC मिल जाती वहां पे भाई, वो अगर दिमाग वाला आदमी हो तो भाई वहां पे शादियां भी हो जाती हैं, अगर आपकी शादी होगी 5 साल के बाद नेशनलिटी भी मिल जाती है, 5-6 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो रोमानिया में, उसके बाद तो भाई आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी घूम सकते हो। तो जैसे पुर्तगाल में भी ऐसे ही है, 5 साल के बाद आप नेशनलिटी लेते हो, ठीक है, नेशनलिटी लेके आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन 2 साल का कार्ड होता है, पहले TRC होती है, फिर 3 साल का होता है, उसके ऊपर सिर्फ आप पुर्तगाल में भी काम कर सकते हो और किसी कंट्री में नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ये इन्फॉर्मेशन थी सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए, तो नए साल पे तो यही मैं बता सकता हूँ, बाकी भाई मैं आपको बोला हुआ है अभी थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, तो फिर मैं जाऊँगा, थोड़ा अभी प्लान बना रहा हूँ, जाऊंगा घूमने, आपको लाइव दिखाऊंगा वहां पे क्रोशिया बोसनिया जितनी भी कंट्री हैं, ये रोमानिया, ये सबको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको भी, कुछ न क्या वहां पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो मेरे भाई पूछ रहे हैं हमें इंडिया से आना है भाई, हम अभी तो रुक जाओ भाई, मैं तो यही बोलूंगा अभी जल्दबाजी मत करो, अभी वैसे भी लोग बोल रहे हैं भाई हम अल्बानिया, हमारा एजेंट बोल रहा है हमें अल्बानिया ले जाएगा या मैकेडोनिया ले जाएगा, मैं मालदोवा ले जाएगा वहां से, तो भाई अभी ठंड है, ठीक है, बर्फ भी गिर रही है और बारिशें, तो यहाँ से आज बारिश बंद है भाई, 15 दिन हो गए, 16 दिन बारिश हो रही को, आज बारिश बंद है थोड़ी सी, इसलिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ, तो मैंने बोला चलो ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई, तो और इसी बहाने से आपको नया साल में हैप्पी न्यू ईयर बोल दूंगा भाई। तो मेरा भाई जो भी है वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, ठीक है, तो जो नए हैं तो वो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना भाई, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टक हुआ भाई अभी थोड़ा सा, जिस दिन मार्च अप्रैल से वेदर अच्छा होगा फिर जाऊंगा, फिर आपको लाइव भी दिखाऊंगा भाई, हर कंट्री में 3-3, 4-4 दिन आपको यहाँ से निकलते हैं या घूमते हैं, लड़के आते हैं जाते हैं, कोशिश तो यही है मेरी, मैं लाइव दिखाऊँ आपको, लाइव ही आपसे बात करवाऊंगा, और मुझे पता है कहाँ कौन कौन से शहर में लड़के बैठे हुए हैं, कैसे बैठते हैं कैसे आते हैं, तो भाई कुत्ता आ गया था पीछे, भैंस चो डर गया मैं तो तो यहाँ पे भाई कुत्ते बहुत रखे हुए हैं लोगों ने, जितने भी, सॉरी अब कौन से मैं टॉपिक चला गया, जितने भी यहाँ पे बूढ़े हैं लोग हैं ना, तो हर किसी के पास कुत्ते हैं, एक एक दो दो कुत्ते हैं, तो बच्चे तो रहते नहीं हैं भाई, 18 साल से पहले पहले ही वो मूव हो जाते हैं, उसके बाद तो बिल्लियाँ कुत्ते ही रह जाते हैं भाई इनके पास, तो चलो ये यहाँ का कल्चर है, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो मिलेंगे आप सबको बहुत जल्दी, मैं सोच रहा हूँ अभी वीडियो बनाऊंगा और कोई अच्छे टॉपिक के बनाऊंगा, यहाँ से अभी अभी थोड़ा वेदर अच्छा हो जाए फिर बताऊंगा, अभी बात चल रही है मेरी वहाँ पे, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अभी डी वीज़ा शायद अभी प्रोवाइड करेंगे वो लोग, चल रही है खबर, चल रही है भाई डी वीज़ा होगा तो वो वर्क परमिट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमें जॉब मिल सकती है वहाँ पे भाई, अगर आपका आदमी है वहाँ पे कोई आपको संभाल सकता है
तो वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, 1000 1200 1500 यूरो बनाते हैं लड़के बनाने वाले। तो वहाँ पे काम क्या क्या है भाई, वहाँ पे वो क्या आते हैं यहाँ पे यार, रकलाम बोलते हैं जो, सॉरी क्या यार कहते हैं उसको, जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं भाई, पब्लिसिटी करनी पड़ती है। तो कुछ अपनी वहाँ पे कंपनियाँ हैं, इंडियन आदमियों की बहुत कंपनी खोली हुई है, वो पब्लिसिटी करते हैं हर चीज़ की। तो वो आपको रात को जॉब शुरू होती है भाई 12 बजे के बाद, वो जॉब शुरू होती है 12 बजे के बाद, आपने सही सुना। तो 12 बजे के बाद शुरू होने के बाद वो पूरी आपको जितनी बिल्डिंग होती है भाई, बहुत जैसे 5 6 मंजिली होती है, तो वो आपको वहाँ पे नीचे जाना, पौड़ी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं भाई। तो वहाँ पे जाके आपको पब्लिसिटी करनी पड़ती है उनके लेटर बॉक्स में, हर एक किसी में तो भाई ऐसे ऐसे मैंने सुनने में आया, तो भाई हम तो 10 10 पब्लिसिटी एक में घुसा के आ जाते हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने आपको काम दिया है उसने पैसे खर्चा किए हैं, पब्लिसिटी छुपवाने में पेपर में पैसे लगते हैं, ऐसा गलती मत करो। तो मैं यही बोलूंगा भाई, हर एक एक ही डालो, जिसको अच्छा लगे वो 10 में भी नहीं आएगा, जिसको नहीं आना वो 10 में भी नहीं आएगा, जिसको आना वो 1 में भी आ जाएगा। तो पब्लिसिटी भाई अच्छे ढंग से करो, जो आपको आदमी पे करते हैं पैसे देते हैं ठीक है, उनको आप उनका काम भी अच्छे तरीके से, नीयत से काम करोगे तो भाई आपकी तरक्की होगी, अगर नीयत से नहीं काम करोगे तो वहाँ पे तो आपको पता ही कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। ये नहीं है उनको पता नहीं चलता है अभी हमारा ये जो हमारी पब्लिसिटी कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, कि कहीं पे और ही फेंक के आ जाता है। तो वो लोग पीछा भी करते हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ी भी होती है, फॉलो भी करते हैं अगर अच्छा काम करता है तो भाई, अच्छे पैसे बनाते हैं। रात को 1 2 बजे से लेके वो सुबह 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे से पहले पहले वो घर पे आ जाते हैं। ठंड बहुत जाती है भैया स्टेडियम में, आपको पता ही है ठंड का तो पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, जैसे बर्फ गिरती है। तो आपको क्या करना है, ये काम है भाई, अगर जर्मन में आते हो तो पिज्जे का काम है, रेस्टोरेंट का वहाँ पे 1000 1200 मिलता है और खाना पीना उनका ही हो जाता है। पुर्तगाल में जाओगे तो 600 मिलेगा, 20 से 25 यूरो दिहाड़ी मिलेगी। फ्रांस में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी रहायश रहने की प्रॉब्लम आती है, एक कमरे में आपको पता है 8 8 10 10 लोग भी रहते हैं। चलो मजबूरी है भाई, हर किसी को कोई शौक तो नहीं है इतने में रहने, हर आदमी चाहता है मेरे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो जाएं ठीक है, अच्छे पैसे हम अपने घर वालों को भेजें और अपना भी खर्चा करें। सब कुछ देखना पड़ता है भाई, प्रॉब्लम चलती है ज़िंदगी में, कभी एहसान भी होता है, कभी तकलीफ़ भी होती है, खुशी भी आती है, गम भी होता है। तो ये मेरे भाई ये सब काम है ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री में कोशिश करूँगा भाई, हर कंट्री में अभी कॉन्टैक्ट करूँगा मैं, जिसको आदमी चाहिए जैसे कहाँ पे, सॉरी जहाँ पे काम हो वहाँ पे मैं बताया करूँगा भाई, भी काम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कैसे आपको काम मिल सकता है कैसे नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले तो चलो ठीक है भाई, सबको नए साल की फिर एक बार से भाई शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितने भी मेरे भाई देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तो नमस्कार सत श्री अकाल सारे नूं।